हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के आज़ादी से जुड़े एक ऐसी घटना के बारे में जिसे भारतीय इतिहास में काला पानी का नाम दिया गया है। काला पानी एक सजा थी। भारत में जिस समय ब्रिटिश हुकूमत का राज चल रहा था और चारों ओर से आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और पूरे भारत में आज़ादी के नारे लगाए जा रहे थे, उस समय ब्रिटिश हुकूमत कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को सजा के तौर पर काला पानी की यात्रा करवाते थे। उस समय माना जाता था कि काला पानी की यात्रा करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बंगाल की खाड़ी की रोज आइलैंड में अवस्थित एक स्थान का नाम है काला पानी। आमतौर पर समुद्री पानी का रंग नीला दिखाई देता है, पर इस स्थान में पानी का रंग काला होने की वजह से इसे ब्लैक वाटर्स अथवा काला पानी का नाम दिया गया है। 18 सेंचुरी से लेके 19 सेंचुरी तक भारत के विभिन्न प्रांतों से स्वतंत्रता सेनानियों को इसी काला पानी की ऊपर से ले जाते हुए अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में निष्कासित किया जाता था। वहां ले जाए गए कैदियों में से खासकर पश्चिम बंगाल, आगरा और कराची के कैदी ज्यादा होते थे। इन कैदियों को एक तरह से यहाँ निर्वासित किया जाता था ताकि अंग्रेज हुकूमत इनकी विद्रोहों को दबा सके और ये कैदी अपने परिवार तथा दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कोई संपर्क ना रख सके। सेलुलर जेल का निर्माण 1896 से लेकर 1906 तक हुआ था। ये जेल बिल्कुल समुन्दर के बीचों बीच इस तरह से निर्माण करवाया गया था कि एक बार यहाँ पहुँचने के बाद किसी भी कैदी के लिए यहाँ से भाग निकलना लगभग नामुमकिन था। चारों ओर से समुन्दर से घिरा हुआ ये जेल वहाँ निर्वासित किए गए कैदियों के लिए किसी नरक से कम नहीं थी। वहाँ भेजे गए कैदियों को अक्सर वहाँ नरक जैसी अत्याचार भुगतने पड़ते थे। छोटे छोटे सेल जैसे कमरे जिसमें सिर्फ एक वेंटिलेटर लगा हुआ होता था, जिसमें कैदी बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। इस जेल की विशेषता ये थी कि मुख्य इमारत एक किस्म के चबूतरे के रंग की ईंट से बनी हुई इमारत है और इस इमारत को बनाने के लिए ईंट बर्मा से मंगवाया जाता था। ये इमारत 7 अलग अलग विभागों में विभाजित है, जिसके केंद्र में एक टावर का निर्माण करवाया गया था, जिसके द्वारा वहाँ मौजूद गार्ड कैदियों पर निगरानी रखते थे। और ये जेल एक तीसरी मंजिल वाली इमारत है। इस जेल में कुल 696 सेल थे और कोई डॉर्मेटरी नहीं थी, ताकि इस जेल में रहने वाले कैदी ना तो एक दूसरे के साथ मिल सके और ना ही एक दूसरे से बात कर सके। इस जेल में रहने वाले कैदियों को एकांत कारावास में रहना पड़ता था। और दोस्तों, जेल की कोठरियों के लिए ताले इस प्रकार बनाए जाते थे कि कोई कैदी जेल का ताला तोड़कर भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। और जेल का गार्ड कैदियों को बंद करके चाबी जेल के अंदर फेंक देता था, ताकि कैदी जब भी अपना हाथ बाहर निकाल के दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा तो उसका हाथ दरवाजे की लॉक तक नहीं पहुंच पाएगा। इस जेल में उन कैदियों को पश्चिम बंगाल तथा भारत के विभिन्न प्रांतों से भेजा जाता था जो कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता की संग्राम में सबसे ज्यादा सक्रिय हुआ करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन सभी कैदियों को इस जेल में भेजने का लक्ष्य यही था कि अंग्रेज सरकार इन कैदियों की साहस और हौसले को तोड़ना चाहते थे। हालांकि 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद ही अंग्रेजों ने अंडमान द्वीप का इस्तेमाल एक जेल के रूप में करना शुरू कर दिया था और आज़ादी की लड़ाई को दबाने के तुरंत बाद ही अंग्रेजों ने कई विद्रोहियों को मार डाला और जो बचे थे उन्हें आजीवन के लिए अंडमान में निर्वासित कर दिया गया। तकरीबन 200 विद्रोहियों को जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पैटिसन बाकर की कस्टडी में रखा गया। इससे पहले भी 1863 में बंगाल एक्सिलिस्टिकल एस्टैब्लिशमेंट के रेव हेनरी फिशर कार्बिन को वहाँ भेजा गया था और उन्होंने वहाँ अंडमानी होम नाम से एक दमनकारी संस्था का निर्माण भी किया था। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने अपनी गति पकड़ ली थी और उसके परिणाम स्वरूप अंडमान में
भेजे जाने वाले कैदियों की संख्या भी बढ़ने लगी थी और उस समय अंडमान में उच्च सुरक्षा वाले और कड़ी व्यवस्था वाली जेल की और भी ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी। और ठीक उसी समय अगस्त 1889 में चार्ल्स जेम्स लायल ने बहा की गृह सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। चार्ल्स जेम्स लायल और उनके एक और सहयोगी ब्रिटिश प्रशासन के सर्जन ए.एस. लेथब्रिज ने कैदियों के प्रति सजा और दंड की कठोरता और भी बढ़ा दी, जिसके परिणाम स्वरूप कैदियों को और भी ज्यादा कठोर यातनाएं दिए जाने लगे थे। उन्हें श्रम करने पे मजबूर किया जा रहा था और इससे कई लोगों की मौत भी हो गई थी। अनुमान किया जाता है कि कुल 80,000 राजनीतिक कैदियों की मृत्यु इस घटना में शामिल है। मार्च 1868 में 238 कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन अप्रैल तक वो सभी पकड़े गए। उनमें से एक ने आत्महत्या कर ली और 87 कैदियों को फांसी दे देने का आदेश दिया गया। दोस्तों, यूं तो सेलुलर जेल के अधिकांश कैदी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन कुछ कैदी ऐसे भी थे जो अन्य मामलों में भी इस जेल में भेजे गए थे, जिनमें से कुछ थे फजल-ए-हक खैराबादी, योगेंद्र शुक्ला, बटुकेश्वर दत्त, बाबा राव सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, सचिंद्र नाथ सान्याल, भाई परमानंद, सोहन सिंह, सुबोध राय और त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती। दोस्तों, यहाँ विनायक दामोदर सावरकर के विषय में कुछ बातें कहना बहुत ही जरूरी है। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता था, विनायक दामोदर सावरकर, जिनका जन्म 28 मई 1883 में हुआ था, मराठी में इनका एक और नाम भी प्रचलित था, स्वतंत्र वीर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के एक वरिष्ठ नेता के रूप में भी जाने जाते थे। विशेषतः हिंदुत्व का प्रसार और मुस्लिम लीग को प्रतिक्रिया ही उनके इस हिंदू महासभा में योगदान का मुख्य कारण रहा है। और उन्होंने और उनके भाई बाबा राव सावरकर ने मिलकर अभिनव भारत सोसाइटी नाम के एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया था और अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके चले गए थे। और वहां जाने के बाद वो इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी नाम के संस्था के साथ जुड़ गए और उस दौरान उन्होंने खुद की लिखी हुई कुछ किताबें पब्लिश भी की, जिनमें से एक का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857 के विषय में लिखा गया था। और इस किताब को ब्रिटिश अथॉरिटी ने बैन कर दिया था और उसके बाद सावरकर को अरेस्ट कर लिया गया था 1910 में। और सावरकर को इंडिया हाउस संस्था के सदस्य समूह के साथ भारत में वापस भेजने का आदेश दिया गया और ये कहा जाता था कि भारत में लौटते समय सावरकर फ्रांस में शरण लेने और भागने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जहाज को मार्सिली के बंदरगाह के डॉक में पहले ही रोक लिया गया था और फ्रांसीसी बंदरगाह के अधिकारियों ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों सौंप दिया। और भारत लौटने पर सावरकर को 50 साल की कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें अंडमान निकोबार के द्वीप के सेलुलर जेल में ले जाया गया। सेलुलर जेल में ले जाने के एक महीने बाद सावरकर ने अपना फर्स्ट मर्सी पिटीशन सबमिट की 30 अगस्त 1911 को। उनका ये पिटीशन 3 सितंबर 1911 को खारिज कर दिया गया, लेकिन सावरकर यही हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से मर्सी पिटीशन सबमिट की और उसके साथ साथ जेल में रहते भी उन्होंने अपनी किताब लिखने का सिलसिला जारी रखा और अपने आप को एक लेखक के रूप में प्रतिष्ठित करते रहे। उनको और उनके भाई बाबा राव सावरकर को 2 साल तक ये पता नहीं चला कि वो दोनों एक ही जेल में अलग अलग सेल में रह रहे थे। 1908 में अलीपुर के केस में कई क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, जिनमें से एक बागा जतीन के साथी बारिंद्र कुमार घोष थे। उन्हें 1924 में उनकी रहस्यमय मृत्यु से पहले ही अंडमान से बंगाल की बहरमपुर जेल में भेजा गया था। दोस्तों,
बाघा जतिन, जिनका पूरा नाम था जतींद्रनाथ मुखर्जी और जिन्हें बंगाल में टाइगर जतिन के नाम से भी जाना जाता था। जतींद्रनाथ मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1879 में हुआ था और ये भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक बहुत ही उल्लेखनीय नाम है। ये एक ऐसे वीर और साहसी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं कि जिन्हें दूसरे स्वतंत्रता सेनानी अपने आदर्श नेता के रूप में मानते थे और ये उस समय युगांतर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हुआ करते थे। और उस समय और भी कुछ स्वतंत्रता सेनानी उस जेल में कैदी के रूप में मौजूद थे, जिनके नाम थे बाबा भान सिंह, धीरेन्द्र चौधरी, इंदु भूषण राय, हरिपद चौधरी और भी कई स्वतंत्रता सेनानी। मई 1933 में कुछ कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू की। लगभग 33 कैदियों ने एक साथ भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। उनमें से एक भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह थे और महावीर सिंह के साथ मोहन किशोर नामदास और मोहित मोइत्रा, इन तीनों ने भूख हड़ताल के दौरान अपना इलाज करवाने से इनकार कर दिया और अंग्रेज सरकार द्वारा फोर्स फीडिंग यानी कि जबरदस्ती खाना खिलाए जाने की वजह से इन तीनों की मौत हो गई। दरअसल फीडिंग ट्यूब महावीर सिंह के फेफड़ों में चली गई थी और फेफड़े दूध से भर गए थे और इस प्रकार महावीर सिंह की मृत्यु हो गई थी। और महावीर सिंह के मृत्यु के बाद इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नारायण नाम के एक कैदी ने वहां से किसी भी तरह से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे काले पानी से निकाला गया और उसे वाकर के सामने फेंक दिया गया और उसे मार दिया गया। इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने उस विषय में तब हस्तक्षेप किया और फिर अंग्रेज सरकार ने 1937 और 1938 में सेलुलर जेल से सारे कैदियों को वापस भेजने का फैसला लिया। सेलुलर जेल 1939 में खाली करने पर मजबूर किया जा रहा था, लेकिन ठीक उसके 2 साल बाद जापानियों ने उस द्वीप को फिर से कब्जा कर लिया और इस बार कैदियों और वहां रहने वाले स्थानीय लोगों पर, खासकर निकोबारियों पर, अत्याचार और भी चरम होने लगा। जापानियों ने वहां के कैदियों पर अंग्रेजों से भी ज्यादा कठोर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उस दौरान आजाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस परिस्थिति को संभालने के लिए उस द्वीप में गए और उनके द्वारा पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर के चीन खाना ग्राउंड में इंडिया का नेशनल फ्लैग उड़ाया गया और 1945 में अंडमान आजाद हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगर आपके पास कोई स्पेशल सजेशन हो तो हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।